जब राजा चुना जाएगा तो राजा योग्य हो, ऐसी इच्छा सबकी होनी चाहिए। तो श्री भरत ने कुछ प्रश्न जो है अयोध्या वासियों के सामने रखे और गुरु वशिष्ठ ने जितने तर्क किए उन तर्कों को उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पहले तो गुरुदेव के सामने बड़े विनम्र शब्दों में यह निवेदन किया और प्रजा और मंत्रियों से भी पूछा कि जब आप राज सिंहासन पर मुझसे बैठने के लिए कह रहे हैं तो आप मेरे प्रति उदार हैं कि अपने लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको यदि ये लगता हो कि भरत को राज सिंहासन दे रहे हैं, कितनी बड़ी वस्तु दे रहे हैं, तो आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए। वो मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए तो उसका अर्थ है आप तो बड़े त्यागी। लेकिन धन्य श्री भरत, जो संग्रही होते हैं उनको संग्रह का अभिमान होता है, मेरे पास इतना है, और जो त्यागी होते हैं उनको अभिमान होता है मैंने इतना छोड़ दिया। छोड़ दिया जिसने उसको भी याद है कि लाखों छोड़ दिया, और जिसने रखा है वो उसको भी याद है कि मेरे पास लाखों है। लेकिन यह जो श्री भरत का चित्र है, चरित्र है, श्री भरत ने कभी नहीं स्वीकार किया कि मैं त्यागी। और व्याख्या कितनी सुंदर, हम सिद्ध यही करने की चेष्टा करते हैं कि हम कितने निस्वार्थ हैं, कितने त्यागी। और श्री भरत जी ने कहा कि आप लोग इतना छोटा पद दे रहे हैं, किसी को बुलाया गया शपथ ग्रहण के लिए आइए, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा। लगा कि क्या पद का लोभ नहीं, पता चला कि नहीं, उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, वो पूर्ण मंत्री बनना चाहते थे, इसलिए वो शपथ ग्रहण के लिए नहीं गए। यहां श्री भरत ने ये कहा कि भाई आप लोग जो पद दे रहे हैं तो बड़ा छोटा है, और मेरी जो दीनता है, कृपया थोड़ा यहां पर एक शब्द है और रामायण की अपनी दृष्टि है, अपनी व्याख्या। श्री भरत ने कहा कि मनुष्य जो है दीनता से मुक्त होने के लिए, दीनता क्या है, आज अभी थोड़ी देर पहले जब चलने वाले थे तो मैथिली शरण जी ने पूछ दिया दीनता माने, दीनता का क्या अर्थ। तो दीनता के संदर्भ में श्री भरत ने जो व्याख्या किया उसके लिए एक विचित्र शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। मैं फिर से कहूंगा कि आप उस शब्द की गहराई पर दृष्टि डालेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, व्यक्ति को लगता है कि मैं छोटा हूं, धन पाके बड़ा हो जाऊंगा, पद पाकर के बड़ा हो जाऊंगा। तो दीनता का पहला अर्थ यही है, अभाव की अनुभूति ही दीनता। अब ये अभाव की अनुभूति कितनी अधिक है और उसकी पूर्ति हम कैसे करना चाहते हैं, कमी अभाव का अनुभव, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को लग रहा है कि ये मेरे पास नहीं है। एक व्यक्ति के पास धन है तो धन के बाद उसको अपने को धनी समझना चाहिए, पर उसको लगता है कि धन तो है पर नाम मेरा उतना नहीं है, मुझे कोई उपाधि नहीं मिली हुई है, मुझे कोई सम्मान नहीं मिला हुआ है। तो वस्तुतः दीनता का अर्थ है अभाव की अनुभूति। पर श्री भरत कहते हैं कि मेरी दीनता जो है वो दीनता ही नहीं है, क्या है, आप रामायण पढ़ते होंगे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नित्य नियम से पाठ किया करें, आप उसके अंतरंग अर्थों का आनंद ले सकेंगे जब उसमें एक एक शब्द के अर्थ पर आप दृष्टि डालेंगे। श्री भरत ने कहा आपन दारुण दीनता, मेरी दीनता दारुण है। और उन्होंने यह कहा कि यह जो मेरी दीनता है वो अगर दीनता होती तो शायद अयोध्या के राजपद से मिट जाती, पर मेरी यह दारुण दीनता जो है वो तो राम पद से मिटेगी, राज्य पद से नहीं मिटेगी। उन्होंने कहा कि राज्य पद पाकर के आपन दारुण दीनता
सबई कहूं समझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जी की जरन जाए। कितना बड़ा सूत्र है। बोले पद पा करके अगर जलन बढ़ती जाए तो क्या पद मिला। पद पा करके जलन शांत हो जाए। कितने व्यक्ति हैं कि जो दावा कर सकते हैं कि हमें वस्तु मिलने पर हमारे हृदय की ज्वाला शांत हो गई। हम आप सब मस्तुता व्यक्ति के सामने इस सत्य को, जिसको दारुण शब्द के द्वारा बताया गया, उसके गहराई पर विचार नहीं करते। वस्तु जन्य जो अभाव है उसे दूर करना संभव है, पर जो एक विचार जन्य और मानसिक दैन्य है, अभाव है, वो हम मिटाने के लिए वस्तु के द्वारा तो कभी मिटेगी नहीं। वस्तु जन्य दीनता, आप किसी के पास मकान नहीं है तो मकान, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा, और ये दीनता बड़े महत्व की है, मिटना नहीं चाहिए। लेकिन वह दीनता जो बाहर की वस्तु के द्वारा मिट सकती है, वह दीनता दीनता है, पर पूरी दीनता जिसको भरत जी कहते हैं, यह दारुण दीनता। यह दारुण शब्द का अर्थ क्या है? दारुण दीनता किसे कहते हैं? और इसका उत्तर आपको गोस्वामी जी के रामायण के अंतिम पंक्ति में, अंतिम छंद में मिलेगा। वो क्या है? जब रामायण की पूरी रचना हो चुकी तो गोस्वामी जी से पूछा गया, इस रामायण से रामचरितमानस को हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए? उनका पढ़ते रहो, गाते रहो, रामायण सुमरिए गाई रामायण फिर भी। तो उन्होंने कहा कि यो तो 5 और 7 चौपाई भी बहुत। ऐसे लोग यहां भी होंगे जिन्होंने रामायण के नवाह पाठ बहुत किए होंगे, अनेक किए होंगे, और बड़ा अच्छा, ये एक मनुष्य के जीवन की साधना है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि रामायण की, रामचरितमानस की 5 और 7 जो चौपाइयां हैं, उतने से भी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। लेकिन एक शर्त लगा दिया उन्होंने, क्या? सतपंच चौपाई, इसको लेकर के बड़ा विवाद है, तर्क वितर्क है कि सतपंच माने क्या होता है। किसी ने कहा 7 पंचे 35, 35, किसी ने कहा नहीं 57, किसी ने 5000। गोस्वामी जी मेरी दृष्टि में तो यही कहते हैं कि 5-7 चौपाई है। कोई कह सकता है हम तो पूरी रामायण पढ़ चुके, पर गोस्वामी जी ने कहा उसके साथ 2 बातें जोड़नी पड़ेगी। क्या? बोले सतपंच चौपाई मनोहर जानी। पहले उसको समझिए, जानिए कि है क्या, इस चौपाई में क्या कहा गया है, और जानने तक ही मत रुक जाइए। अगला वाक्य है, सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उरधर। बुद्धि से समझिए और हृदय में धारण कीजिए, बस यही कठिनाई आ जाती है। बहुत हुआ तो पाठ कर लिया, और होड़ है कि कितने घंटे में पूरा कर लेते। बहुत हुआ तो अगर बुद्धिमान हुए तो समझ लिया, पर उसको समझना है और हृदय में धारण करना है। गोस्वामी से पूछा गया उसको धारण करने से क्या होगा, तब उन्होंने दारुण की व्याख्या किया। दारुण दीनता क्या है? उसमें आपको मिलेगा दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हर। मनुष्य के अंतर हृदय की जो दीनता है, दारुण दीनता है, और दारुण दीनता माने अविद्या के द्वारा जो दीनता उत्पन्न हो गई है, वही वस्तुतः दारुण दीनता। अविद्या, उसके लिए एक शब्द है 5। श्री भरत उसी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। अविद्या की व्याख्या करते हुए रामायण में भगवान राम ने अविद्या की व्याख्या किया, और पतंजलि ये कहते हैं यहां पर आया कि 5 जो दारुण अविद्या के रूप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसका नाम पतंजलि जी ने दिया
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये जब तक पांचों हैं तब तक व्यक्ति की दीनता मिट ही नहीं सकती। कोई ऐसा हो नहीं सकता कि ये पांचों बनी रहे और उसकी दीनता मिट जाए और वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। श्री भरत का तात्पर्य यह था कि समस्या का समाधान वह दिया जा रहा है जो समाधान नहीं, और समस्या का समाधान इसलिए नहीं है, उनका तात्पर्य तो बहुत सुंदर था कि जो कुछ अनर्थ हुआ है वह महारानी कैकेयी के लिए के द्वारा हुआ है, और महारानी कैकेयी ने जो कुछ किया है वो मेरे लिए, मुझे राज्य दिलाने के लिए किया। महारानी कैकेयी को विश्वास था कि मेरे पुत्र को राज्य मिलेगा तो इससे बढ़कर के कोई बात नहीं होगी। पर प्रश्न श्री भरत का यह था, क्या कहे कि महारानी कैकेयी के पास किसी वस्तु की कमी थी क्या? बस यही तो सूत्र है। महारानी कैकेयी के जीवन में जो दुख आया वो वास्तविकता का दुख नहीं था, कल्पना का दुख। और आप और हम गहराई से बैठ के देखें तो वास्तविक दुख तो है ही जीवन में, पर उससे कम काल्पनिक दुख नहीं है। अब आप समाचार पत्र में जिन जिन रोगों का नाम पढ़ें, दिन भर यही सोचने लगे कि कहीं मुझे तो ये रोग नहीं हो गया, हो नहीं जाएगा। अब वो न हुआ है, वो शायद हो भी नहीं, लेकिन अब उस चिंतन से आप बड़े दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, ये क्या हुआ, वो मुझे भूल में नहीं पाता। श्री गोपाल जी मिश्र बड़े उच्च पद से निवृत्त हुए, अपना संस्मरण सुनाते तो आनंद आता। कल हिंदू जब प्रयाग विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा था तो कक्षा के पाठ्यक्रम कोर्स को छोड़ के मैं अन्य पुस्तकें भी पढ़ा करता था, तो विशेष रूप से मैंने जो एलोपैथी के बड़े ग्रंथ थे उनको पढ़ डाला। उन्होंने कहा कि वो उसके बाद एक अध्याय जब मैंने पढ़ा तो लगा कि रोग के जितने लक्षण हैं सब मुझ में घट रहे हैं। बस मैं बड़ा दुखी हो गया, घबरा गया कि अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा भयानक रोग है। डॉक्टर के पास गए तो अब वो और रोगी तो जाके कहेगा, डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है, जरा आप जांच के बताइए। उन्होंने सोचा कि मैं कोई मामूली रोगी हूं। उन्होंने वो जो पढ़ा था नाम लेके कहा, मुझे ये रोग हो गया। और वो शब्द सुनते ही डॉक्टर इतना हंसा कि वो लगने लगा कि लीजिए, मैं रोगी हूं, रोग के लिए आया हूं और हंस रहे। पूछा, डॉक्टर साहब आप हंस क्यों रहे? बोले भाई, तुमने जिस रोग का नाम लिया वो केवल स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं होता, इसलिए मुझे हंसी आ रही। मानो वह वस्तु जो नहीं थी कहीं पढ़ लिया, उसको अपने में घटा लिया। इतने नहीं, कितना कुछ अनर्थ कहके ही नहीं क्या किया, केवल कल्पना बैठा दी गई। भरत राम सिंहासन पर बैठेंगे, भरत कारागार में डालेंगे, डाले जाएंगे तो मैं साउथ की सेवा करनी पड़ेगी। यह जो कल्पना जन्य दुख है उसके द्वारा उन्होंने इतना बड़ा अन्याय और इतना बड़ा अमंगल का सृजन किया कि उस अमंगल के कारण का भरत ने तो राज्य स्वीकार किया ही नहीं, अयोध्या पूरे दुख में डूब गई। मानो श्री भरत वह उत्तर देते, अगर आप दीनता समाज की मिटाना चाहते हैं तो बाहर ही नहीं जो भीतर दीन था वो बताना चाहते हैं कि सारा जो कुछ हुआ है अयोध्या में वो दीनता के कारण हुआ, और वो दीनता अविद्या जन्य है। और आप देखेंगे तो आपको यही तो मिलेगा, यही तो अर्थ था। श्री भरत कहते हैं, आप लोग मेरे प्रति उदार बिल्कुल मत बनिए, आपके इस पद से मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा, मेरी दीनता नहीं मिटेगी। और अगर आपको यह भ्रम हो कि आप सिंहासन पर बैठ करके मैं बड़ा योग्य राजा सिद्ध होऊंगा, तो आप देख लीजिए श्री गणेश, जिसके सिंहासन पर बैठने के लिए पिता को प्राण देना पड़ा हो, बड़े भाई को बन जाना पड़ा हो,
मां तुतुल्या सीता जी को बन बन भटकना पड़ा हो, इतने अन्याय से जो सिंहासन पर बैठेगा वह न्याय करेगा क्या? आप अपने को धोखे में मत डालिए, मुझे कोई भ्रम नहीं है, आप अपने को भ्रम में डाल रहे हैं।